यहाँ पर तुलसी माता का पेड़ है और यहाँ पर साईं बाबा का मूर्ति स्थापना किया गया है। और ये कवि सिर्फ द बॉय मीन्स गा रहा है, अपने ही में मस्त है। अच्छा के पांचों आ गए सब यहाँ पर, 1 2 3 4 ये 5। बैट का क्या हालत हुआ है देखो, टूट जाएगा ये देखो, देख रहे हो टूट गया। बारिश आया था तो उसमें भींग कर ये सड़ गया था तो गिर गया, फंस गया था, दो लोग उसमें फंस गया। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। वैसे अभी सोकर उठ रहे हैं, इतना ज़्यादा थके हुए लग रहे हैं भाई साहब, पता नहीं किस तरह सोए थे, पूरा शरीर लग रहा है जकड़ सी गई, इतनी थक चुके हैं लग रहा है कोई काम किया, पीठ पे कोई मारता नहीं है वैसा लग रहा है यार, बहुत ही शरीर दर्द कर रही है। फिर भी उठे हैं, तुरंत गए नीचे चेहरा धुले और फिर अभी कुछ ही देर में निकलेंगे कोचिंग के लिए भी। सुबह सुबह पता नहीं क्या हो गया है और नींद एक तो खुली नहीं रही है, उसी की वजह से हुआ है, शरीर में दर्द हो गई, अच्छी तरीके से नींद पूरी हो ही नहीं पा रही है, ऐसा लग रहा है किसी ने काम कराया है, क्या बताऊँ, सपने में लग रहा है किसी ने हमसे काम कराया है बहुत ही। अभी तो फिलहाल चलते हैं नीचे और चाय बनवाते हैं, फिर पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं कोचिंग के लिए और ईशु को भी कॉल करते हैं कि चलो जल्दी, वो तो अभी जिम में होगा, वो तो हमसे पहले का उठ जाता है, बहुत ही जल्दी उठ जाता है, पता नहीं कैसे लेट से सोता नहीं है, इसके कारण हम तो बहुत ही लेट से सोते हैं, उसके कारण मेरा लेट हो जाता है। तो अभी फिलहाल चलते हैं नीचे, कुछ खाते हैं और निकलते हैं। तो गाइस अभी फाइनली कोचिंग से छुट्टी हो चुका है और निकल गए लोग, जाते वक्त इसलिए ब्लॉग नहीं किए क्योंकि इसके वजह से लेट हो गया, इसका ही हम वेट कर रहे थे घर पे, और कह रहा है भाई तुम जाओ, वेट करा कर कर दिया जाओ, गद्दारी क्या बहुत बड़ा। अभी से एक नीम सा रहा है, क्या ही बताओ आपको, अभी उस वक्त आया जल्दी जल्दी में, ये इसका भी लेट, इसका भी लेट हुआ था तो केला इसका बैग ही में रह गया और कच्चा केला सारा, सारा पैसा लगाया बर्बाद गया इसका, रख लिया था बैग ही में, खाया ही नहीं था, इसका भी लेट हो गया था, जब छुट्टी हुआ था निकाला खाने के लिए, सारा कच्चा केला निकल रहा है बेचारे का, ये देखो तोड़। अरे भाई यार ये कैसे खाएगा, पूरा कच्चा है पूरा, देख रहे हो उसके हाथ में क्या, भाई पैसा लगाया बर्बाद गया, इसको उठा लेते फेंक दिया रास्ते में, आगे गाय है उसको खिला दिया जाएगा, सेंस नाम की चीज नहीं है, अनाज को फेंक रहा है, सॉरी अनाज कर रहे हैं, फल को फेंक रहा है, आगे वहाँ पर गाय है उसको खिला देते हैं, कच्चा है तो गाय को खिलाओ, पका रहा था तो खुद खाते हैं, मतलब तो फेंकोगे नहीं ना, फेंको मत। देखो और खा दिया, इसको खिला दिए और जो घर में डॉग था इतना तेज भूखा है अड़क गए हैं। जब जाते हैं अलग अलग प्रकार के बैल मिलते हैं, एक दिन देखे थे और कभी टेढ़े बैल को देखते हैं जिसका सिंह तो कभी टूटा रहता है सिंह, कभी उसका आधा टूटा है, ऐसे ऐसे बैल हम लोग के यहाँ है ना, पूछो मत, अलग अलग किस्म के बैल दिखते हैं, बाहर धूप इतनी तगड़ी निकली हुई है ना, चलते हैं घर और मिलते हैं वहीं पर। सो गाइस फिलहाल मस्त नहा कर रेडी हो चुके हैं और अभी आए हैं ऊपर, तो ऊपर इतनी मस्त वाली धूप निकली है, वाह इतनी मस्त धूप तो कभी निकलती ही नहीं है, ऐसी मस्त धूप है, धूप में खड़ा होने का मन ही नहीं कर रहा। वैसे आए थे कोचिंग से तुरंत नहाए, इतनी तेज गर्मी हो रही थी बाहर तो तुरंत आकर नहा लिए हैं, और नहाने के बाद जो रिलैक्स फील आई है पूछो मत, जैसे ही नहाए हैं तो फिर जाकर जो पैरट है उन लोग को सत्तू पिला दिए क्योंकि उन लोग भी भूखे थे, सब हमारा ही वेट कर रहे थे कब हम आएंगे, फिर उन लोग को सत्तू पिलाएंगे, तो उन लोग को भी सत्तू पिला दिए, अब कुछ देर के लिए फ्री हो गए, वैसे उतने भी फ्री नहीं हुए, अभी थंबनेल एडिट करना है, वीडियो अपलोड करना है, आजकल रात को देर से सो रहे हैं, एडिट ही लेट हो रहा है तो उसके कारण अपलोड नहीं हो पा रही है, तो अभी वीडियो भी अपलोड करना है, थंबनेल भी एडिट करना है, टाइटल भी बनाना है, बहुत ज़्यादा ही काम है, बहुत ज़्यादा। मेरे घर में इतने प्यारे प्यारे पौधे हैं क्या पूछो, इतना मस्त केले का पेड़ है और इसका छोटा वाला भी पेड़ बड़ा हो रहा है, एंड मनी प्लांट भी देख रहे हो कितना प्यारा निकल रहा है, और साथ में यहाँ पर तुलसी माता का पेड़ है और यहाँ पर साईं बाबा का मूर्ति है, इसी में स्थापना किया गया है, पूजा रोज होता है। ये जरा देख रहे हो गाइस मेरा बैट का क्या हालत हुआ है, ये देखो टूट जाएगा, ये देखो देख रहे हो टूट गया, वैसे इसको धूप में रख रहे हैं कि थोड़ा सही हो जाए, कई दिनों से तो ये खराब हो चुका है, देख रहे हो इसका हाल बेहाल हो गया है, कुछ महीनों पहले बारिश आया था तो उसमें भींग कर ये सड़ गया था, तो अभी इसको धूप में रख रहे हैं कि इससे प्रैक्टिस हम कर पाएं। और बगल वाले घर में कभी से चलिए बहस,
थोड़ा बैकग्राउंड में आ रही होगी तो उसे मिस करना। वैसे इसी से करते हैं कभी कभी प्रैक्टिस क्रिकेट का घर पे ही, अगर मौका मिलता है खेलने जाते हैं लोग तो उसी में प्रैक्टिस रहता है तो मारते हैं छक्का या चौका। अभी तो चल रही है कई दिनों से पढ़ाई हमारी, इसके कारण क्रिकेट खेलने नहीं जा पा रहे लोग। अगर संडे को मौका मिल रहा है तो जा ही रहे लोग। अभी फिलहाल हम चलते हैं नीचे कुछ खाते हैं। वैसे धूप बहुत तगड़ी वाली निकल रही है, इतनी मस्त लग रही है तगड़ी धूप में खड़ा हूँ तो पूछो मत, आप लोग भी समझ सकते हो। लोग यहाँ पर अगर कुछ देर और रुक जाएंगे ना तो बगल वाले के घर से ऐसा ऐसा बात सुनने को मिल रहा है तो कान पक जाएगा और कई क्लिप हमको काटना पड़ेगा। बात सुनना आपको अच्छा लगता है दूसरे का तो कमेंट करके बताना, हम क्लिप डाल देंगे आप लोग के लिए दूसरे ब्लॉग में। दूसरे का मैटर में हम क्यों डालें, छोड़ो उन लोग का बात। अभी हम फिलहाल चलते हैं नीचे कुछ खाते हैं, भूख बहुत जोरों से लगी है, और फिर उसके बाद बैठेंगे थंबनेल एडिट करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, बहुत काम है, चलते हैं नीचे। कल कह रही थी रो रो कर भाई बोलो यार दुला खोजने का, उसी के अफसोस में घुट घुट कर पानी पी रही है। तो कितना तेज पी रही है, पूरा फूल गया इसका गर्दन ही। भाई सब कितना पीती है, सब पूरा पी लेगी क्या आज? तो जी गाइस कभी से मस्त चीत होकर सोए हुए थे उस वक्त हम कह रहे जा रहे थंबनेल एडिट करने के लिए, जानते हो क्या हुआ, थोड़ा बहुत गए बाहर इसी तरह निकले घूमने के लिए तो फिर उसके बाद आए घर में तो सो गए। इतनी ज़ोर से नींद लग रही थी ना, रात को नींद पूरा हो नहीं पा रही है, इसके कारण हम एक भी मिनट सो ही नहीं रहते। जानते हो क्या हुआ, अचानक से बिस्तर पर लेटे और आपको बता ही रहे थे सुबह हमारे शरीर में लग रहा है कोई मार रहा है, ऐसा दर्द उस वक्त भी था। तो लेटे हुए थे, कब अचानक से नींद लग गई पता भी नहीं चला। अभी कुछ ही देर हो रहा है, अभी जस्ट सो कर उठ रहे हैं, चेहरा धुले हैं टंकी के पानी से धुले हैं, यार देख रहे हो चेहरा का हाल। एंड कितना जल्दी जल्दी थंबनेल एडिट किए, कितना जल्दी टाइटल बनाए, कितना जल्दी अपने वीडियो अपलोड किए, लगा नहीं था अपने टाइमिंग पे ब्लॉग आ पाएगा। जैसे झटके से नींद खुली है तो अरे भाई वीडियो अपलोड नहीं किए, नहीं होता है जो रेगुलर रहता है उसका थोड़ा बॉर्डन सा हो जाता है। अचानक से लगा अरे भाई तो वो अभी तक किया ही नहीं है, तो तुरंत गए तुरंत बैठे तो थंबनेल एडिट किया, सारा काम हो चुका। अब फिलहाल तुरंत निकलना भी है कोचिंग के लिए, ऐसे टाइमिंग पे उठे थे आधे घंटे पहले ही उठे हैं। तो चलते हैं नीचे रिशु को फोन लगाते हैं और फिर इसके बाद निकलते हैं कोचिंग के लिए। किसी को फल खाना है, इतना सारा फल है, अंगूर है, केला है, संतरा है, मैंगो भी है, बहुत चीज है, बहुत चीज, कीवी भी है, संतरा भी है, क्या खाओगे बताओ। तो गाइस अभी निकल गए लो कोचिंग के लिए और बाहर निकलते ही वापस से धूप इतनी तेज लगने लगी, क्या बताओ। धूप में कितने लोग हैं लोग ये देखो, हम जाने केवल धूप में हम ही बाहर निकलेंगे, ऐसा हुआ ही नहीं, बहुत लोग बाहर है लोग हमारे साथ साथ। तो अभी अंदर से जाते लो इसलिए क्योंकि अंदर देख रहे हो कितने सारे फैंस लगे हुए हैं, तो इसलिए ये एरिया ठंडा है। मस्त हवा खाते खाते जाते लो, रोड से जाएगा तो और धूप लगेगी। और यहाँ पंखे के नीचे से जाते रहो, जहाँ तक जाओगे वहाँ तक पंखा ही है, इसीलिए पंखे के नीचे से जाओ, धूप से बचने के लिए ये ऑप्शन सही है। अभी यहाँ पर काम चल रही है कई दिनों से, तोड़ फाड़ होती रह रही है और लू इतनी तेज चल रही है पूछो मत। और कभी से रिशु एक सॉन्ग गा रहा है, सॉन्ग उसे नहीं कहा जाएगा, उसे द बॉय मीम्स कहा जाएगा। कैसे है जब गा रहा है ये जरा चेक करो, जस्ट हम लोग के सामने ही धूप निकला है और साथ में इतनी प्यारी हवा चल रही है, मत जो हवा की जरूरत ही नहीं है, इतनी बहुत गर्म है, बहुत गर्म धूप जस्ट सामने हुई है ना, इसके वजह से सारा हम लोग का एनर्जी वेस्ट हो जाएगा कोचिंग पहुँचते पहुँचते। एनर्जी बढ़ा कर आए हैं, ग्लूकोज पी कर आए हैं, रास्ते भर में धूप कम लगेगी, बैठे गमछी ले लेना चाहिए तो उसको बांध लेते और धूप कम लगती। तो अभी फिलहाल चलते हैं कोचिंग और कोचिंग से आकर फिर आपसे मिलते हैं। और ये कभी से द बॉय मीम्स गा रहा है, अपने ही में मस्त है। चार पटरी आपने देखा कहीं पे, एक दो तीन चार, कौन सा पटरी भाई, किस पे ट्रेन चलेगी, इस पे ट्रेन चलेगी ये दो पे, यहाँ पर ये गिरने वाली है देख रहे हो। अब जितनी भी गाड़ियाँ है उनकी रफ्तार बहुत तेज दिखेगी आपको, ये देखो गिर गई, फंस गया दो लोग इसमें फंस गया। फाइनली कोचिंग का छुट्टी हो चुका है, जाते वक्त में इधर ना जाम नहीं लगी थी, आते वक्त में बहुत जाम लगी थी। मौसम कभी रात जैसा हो जा रहा है और कभी दिन जैसा रह रहा है, जैसा आज है और कल रात हो गई थी, इसी टाइम पे कल भी जा रहे थे लोग। वेदर ना कभी बिगड़ से जा रही है, इसके कारण ऐसी मौसम हो रही है। जाम इसलिए लगी थी क्योंकि ये जो ट्रेन है ना अभी कुछ ही देर में निकलेगी। अरे ये मीन्स याद कर लिया, द बॉय मीन्स कभी से उसको गाते गया है, गाते हुए आ रहा है, कैसा है गजब गा रहा है। ओ भाई ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, हॉर्न भी मार दी।
चेक कर लो। आप लोग ने कभी ट्रेन देखा नहीं होगा। भाई ये हिला है यार, ये जो है ना हिला। लो जी स्पीड पकड़ ली, ऐसा लग रहा है हम लोग खड़े हैं। लो वो ऑटोमेटिक चल रही है। वो तो चल ही रही है लेकिन हम लोग भी चल रहे हैं। लो साथ साथ द एंड हो गया। जैसे ही ट्रेन गई वैसे वापस सफाई स्टार्ट हो गई। रुक जा पास चल कर दिखाते हैं। देखो वहाँ पर पानी से साफ सफाई स्टार्ट, लग रहा है अभी ट्रेन नहीं आएगी इसलिए वहाँ पर सफाई नहीं, कोई काम हो रहा है इसलिए वहाँ पर पानी यूज हुआ। अच्छा वहाँ पर पोछा जो होता है ना, जो लगता है फर्श पे उसी को धुला गया है। वाह चमकाने लगे, ये देख रहे हो चमक गया। ये देखो यहाँ पर आते ही अंधेरा है, ये देख रहे हो पूरा यहाँ का लाइट ही नहीं है। फैन चल रहा है बट लाइट नहीं है। फिलहाल चलते हैं घर और मिलते हैं वहीं पर। घर पर आते ही मस्त गर्मा गर्म ब्रेड और चाय सब मिल गया यार, मजा सा आ गया। पक्के मुंह में पानी आ रहा होगा। लो 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 खा लो जल्दी फटाक से निकालो। ये क्या जल गया है थोड़ा सा, उससे छोड़ो खाओ पहले। लो लो खा लो खा लो खा लो खा लो जल्दी खा लिए। मस्त हम भी खाते हैं, देख रहे हो आपके मुँह पानी आ गया होगा। हमारे मुँह में भी अभी पानी आ रहा है। फिलहाल इसे फटाक से खाते हैं और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं आते वक्त में। बाहर निकले हुए थे तो आए थे यहाँ पर सेव और बुनिया खाने के लिए। अरे ये राचा जैसे खा लिए सब, दोनों टूट पड़े सब मेरे पे, उतनी सा छोड़े है सब और हमारे से मांग रहा है। तो अभी पीछे खाते हैं, बहुत बहुत स्वादिष्ट हो रहा है। आह 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 अमन से डर रहा है। ये देखो आ जा आ जा ये आ गए। वाह ये देखो चारों आ गए सब, ये देखो पाँचों आ गए सब, एक दो तीन चार ये पाँच, पाँचों के पाँचों आ गए सब यहाँ पर। ये सबसे बड़ा, वो सबसे छोटा और बाकी सब तीनों मीडियम। तो वहाँ से आए लोग तो पीस को भी छोड़ दिए उसके घर पे, अब जा रहे हैं अमन को छोड़ने के लिए। और फिर इसके बाद हम निकल जाएंगे अपने घर और जाकर कुछ खाएंगे, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। अभी चलते इसको छोड़ देते हैं फिर चलते हैं हम भी घर। फिलहाल अमन को छोड़कर घर आ गए हैं और अब जाएंगे तो घर में खाना खाएंगे और साथ में मैच देखेंगे। और ब्लॉग को करते यही पे एंड, अगर ब्लॉग पसंद है ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हम लोग यहाँ से पास हो जा रहे हैं लोग, वरना यहाँ पे हम लोग को जाम में। देखो नीचे जाम लगी है ना, इसलिए वहाँ पर ब्रिज पे कितने गाड़ी जा कितनी सारी गाड़ियाँ जा रही है।